सर्क्यूलर प्लाजो बनाने के लिए मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया है और इसको एक बार ऐसे फोल्ड कर लिया है। इस कपड़े का अर्ज जो है, जिसे हम पाना भी बोलते हैं, वो 1.5 मीटर का है। अब इस डबल कपड़े को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, यहाँ से हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे। और इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है तिरछा। अब ये हमारा कपड़ा 4 लेयर में रखा हुआ है। इस किनारी को मैंने थोड़ा सा आगे की साइड में ऐसे निकाल दिया है, बाद में हम इस किनारी को कट कर देंगे। अब हम यहाँ पे हिप का चौथाई भाग लेके उसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड कर देंगे। तो हिप का नाप है 44 इंच, उसका चौथाई भाग हुआ 11 इंच। तो यहाँ पे हम इस कपड़े को 12 इंच रख लेंगे, ऐसे निशान लगा देंगे हम 12 इंच पे। अब इधर की साइड से इसको हम नाप लेंगे, ये हमारा 15.5 इंच पे इधर की साइड से निशान आ रहा है। तो हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे और गोलाई में 15.5 इंच पर निशान लगाते जाएंगे। इन निशानों को हम मिला देंगे ऐसे। अब इसको हम नाप लेंगे, इसमें हमारा 0.5 इंच कपड़ा और बढ़ गया है। ये हमारी लूजिंग के लिए हो जाएगा। अब यहाँ से नीचे की साइड में हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। इस निशान से नीचे की साइड में हम प्लाजो की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। जितनी भी हमें प्लाजो की लंबाई चाहिए उतने पे हम निशान लगा लेंगे, क्योंकि ऊपर की साइड में हमारी 1.5 इंच की बेल्ट जुड़ जाएगी इसमें, तो 1.5 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो जो तैयार प्लाजो होगा वो हमारा, जो हम इसकी लंबाई रखेंगे उतना ही होगा। तो मुझे इसकी लंबाई चाहिए 39 इंच, तो मैं ये 39 इंच पर निशान लगा लूँगी। नीचे की साइड से इसमें कपड़ा कम है तो यहाँ पे मैं जॉइंट लगा लूँगी। अब ऐसे इंची टेप को हम रखते हुए 39 इंच पर निशान लगाते आएंगे। अब इन निशानों को हम ऐसे मिला देंगे। अब इन निशानों पर से हम कटिंग कर देंगे। मैंने इसकी कटिंग कर दी है, अब हम इसके आसन की कटिंग करेंगे। इसका तैयार आसन चाहिए हमें 13.5 इंच का। तो ऊपर की साइड में हमारी 1.5 इंच की इसमें बेल्ट जुड़ जाएगी, तो हम 1.5 इंच इंची टेप को ऐसे निकाल देंगे और ऐसे 13.5 इंच पर निशान लगा देंगे। अब इस निशान से 3 इंच अंदर की साइड में एक निशान और लगाएंगे। अब यहाँ से हम ऐसे तिरछा निशान लगा लेंगे। अब इसमें हम गोलाई कर देंगे। अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे और ये जो किनारी है इसको कट कर देंगे और यहाँ से इसको कट करके खोल देंगे। मैंने आसन की कटिंग कर दी है और इस किनारी को कट कर दिया है और नीचे की साइड से इसको कट करके खोल दिया है। अब हम यहाँ पे जॉइंट करने के लिए कपड़ा कट करेंगे। इस जगह पे हमारा कपड़ा कम है तो यहाँ पे हम जॉइंट लगाएंगे। ये मैंने यहाँ से 0.5 इंच ऊपर की साइड में निशान लगा दिया है और ये कपड़ा डबल है तो इसको हम ऐसे रख लेंगे। अब हम ऊपर की साइड से इंची टेप को रख लेंगे और 39 इंच पर हम निशान लगाते जाएंगे।
इस कपड़े को मैंने इस कपड़े के ऊपर ऐसे चढ़ा के रख लिया है क्योंकि ये कपड़ा इसमें जॉइंट हो जाएगा। और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी चौड़ाई मैंने लंबाई इसके बराबर रखी है। ऐसे जॉइंट लगा के इसके बराबर आ जाएगा ये। इसको मैंने ऊपर की साइड इंची टेप को ऐसे रखते हुए 39 इंच पर निशान लगा के ऐसे कटिंग करी है इसकी। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये कपड़ा डबल है और इसको खोल के हम ऐसे रख लेंगे। इस कपड़े की लंबाई हम ऐसे नाप लेंगे बेल्ट के लिए। ये प्लाजो की कमर वाली जगह को हम ऐसे इससे नाप लेंगे और इससे हम थोड़ा सा ज़्यादा ही रख लेंगे इस कपड़े को। इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही रख लिया है मैंने कपड़ा। और कपड़े की चौड़ाई रखेंगे हम 4 इंच। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। और ये डबल में कपड़ा रखा हुआ है। अब हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। तो हम पहले एक साइड के आसन को हम जोड़ देंगे। ऐसे सिलाई लगा के हम एक साइड के आसन को जोड़ देंगे। सबसे पहले हम इसका आसन जोड़ेंगे। इनकी सीधी सीधी साइड एक साइड में आनी चाहिए और ऐसे रख के हम आसन पर सिलाई लगा देंगे। ये मैंने आसन पर सिलाई लगा दी है। अब हम इसको ऐसे सीधी साइड से ऐसे कर लेंगे और इस सिलाई वाली साइड को एक साइड में ऐसे कर देंगे और इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे सीधी साइड में। ये मैंने आसन पर सिलाई लगा दी है। ऐसे ही हम दूसरी साइड के आसन को भी जोड़ लेंगे। अब हम आसन के सीधी साइड में सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। अब हम इस नीचे की साइड में इस कोने पर जो हमने जॉइंट के लिए पट्टी कट करी थी उसको लगा देंगे, उसको जोड़ देंगे ऐसे। इन दोनों की सीधी साइड एक साइड में आनी चाहिए। ये मैंने इसको जोड़ दिया है। यहाँ पे हम प्रेस लगा देंगे। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकती हैं। ऐसे ही हम दूसरे कोने पे भी उस पट्टी को जोड़ देंगे। अब हमें इस आसन को ऐसे मिलाते हुए इसको रख लेंगे और ऐसे सिलाई लगा देंगे हम। ऐसे सिलाई लगाने के बाद हम नीचे की साइड से घेरा को ऐसे सिंगल फोल्ड करेंगे और पूरे घेरा में सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हम उस पैर के घेरा में भी सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इसको एक सिलाई लगाने के बाद फिर दूसरी बार हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे पूरे घेरा के ऊपर। और ऐसे ही उस वाले पैर के घेरा के ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। अब हम इस घेरा को ऐसे उल्टी साइड में सिंगल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे पूरे घेरा के ऊपर। सिंगल फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। सिंगल फोल्ड करने के बाद हम जब दूसरी सिलाई लगाएंगे तो इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। ऐसा करने से हमारे इस घेरा में बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई आएगी। अगर हम एक साथ ही डबल फोल्ड कर देंगे तो इतनी फिनिशिंग नहीं आ पाएगी इसमें। ये मैंने इसको सिंगल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब इसको हम एक बार और ऐसे फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे।
ये मैंने एक साइड के घेरा पर सिलाई लगा दी है, अब हम दूसरी साइड के घेरा पर भी ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। मैंने दोनों पैर के घेरा पर सिलाई लगा दी है, अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। ये मैंने बेल्ट वाली पट्टियों को जोड़ दिया है और इसको मैंने सीधा कर लिया है। इसको ऐसे कर देंगे नीचे की साइड से, इसको ऐसे अंदर की साइड में, नीचे की साइड में कर देंगे और इसको मैंने सीधी साइड से रखा है। और इसके नीचे हम इसको ऐसे उल्टी साइड से सीधी साइड से रख लेंगे। ये इसकी सीधी साइड है पट्टी की और इसको भी मैंने सीधी साइड से रखा है इसके ऊपर। और इसको हम थोड़ा सा आगे की साइड में निकाल के इसके बाद हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहां से सिलाई लगा के हम इस पट्टी को इसमें जोड़ देंगे। यहां पे हम सिलाई को रोक देंगे। अब इसको हम ऐसे देख लेंगे, एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देंगे। ऐसे इन दोनों पट्टियों को हम यहां पे जोड़ देंगे। इन दोनों पट्टियों को मैंने जोड़ दिया है, अब हम इस जगह पे भी सिलाई लगा देंगे। ये जो खुली रह गई है ये जगह, नीचे की साइड से हम इसको ऐसे कर लेंगे नीचे, और इस सिलाई वाली जगह को ऐसे ऊपर की साइड में कर लेंगे। और इसको पहले आधा इंच फोल्ड करेंगे इस पट्टी को, इसके बाद हम इसको 1.5 इंच और फोल्ड करेंगे और इस सिलाई वाली जगह को अंदर की साइड में कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करके हम सिलाई लगा के बेल्ट तैयार कर लेंगे। ये मैंने थोड़ी सी जगह खुली छोड़ दी है इलास्टिक डालने के लिए। इलास्टिक डालने के बाद मैं इस जगह को सिल दूंगी। ये मैंने 31 लंबी इलास्टिक ली है, इसको हम सेफ्टी पिन की सहायता से इसमें डाल देंगे। इस इलास्टिक पर हम ऐसे सिलाई लगा देंगे। मैंने इसमें इलास्टिक डाल दी है, अब हम इस खुली हुई जगह को सिल देंगे। अब हम एक सिलाई इलास्टिक के बीच में लगा देंगे। इलास्टिक को हम 2-4 बार ऐसे कर लेंगे जिससे कि इलास्टिक के ऊपर कपड़ा बराबर हो जाए। इलास्टिक को हमें खींचते हुए सिलाई लगानी है, दोनों साइड से इसको ऐसे खींचना है। मैंने इलास्टिक के बीच में सिलाई लगा दी है और इसको ऐसे फोल्ड करके रख दिया है। अब हमारा सर्कुलर प्लाजो बनके तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।